दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 ट्वेल्व के स्टूडेंट हो तो इस बार हिंदी के पेपर में हिंदी व्याकरण से टोटल 21 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो 25 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हिंदी व्याकरण में आपके 21 नंबर और 25 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन और क्या क्या आएगा, साथ में आपको इसे कैसे तैयार करना है, क्योंकि इसे कैसे तैयार करना ये तो बताऊंगा इस, साथ में व्याकरण के जितने क्वेश्चन होते हैं उन सभी में ऑप्शन के साथ दिए रहते हैं, ताकि आप सभी को बस इसी ऑप्शन से चूज करके लिखना रहता है कि कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो आप व्याकरण में फुल मार्क्स कैसे पाए इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको इसी तरीके से सभी विषय की जबरदस्त तैयारी हो सके। और अगर अभी तक आपने निबंध और पत्र की वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाकर देख लो, 20 से 25 हजार से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख चुके हैं 1 से 2 दिन के अंदर में। और मैंने पत्र वाले वीडियो पे 1000 लाइक करने के लिए बोला था और निबंध वाले पर 1100 लाइक, और सभी ने उन लाइक को पूरा कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर के 21 नंबर और क्लास 10 वालों के 25 नंबर पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो इस वीडियो का लाइक एवं रखते हैं 1200 लाइक, उम्मीद है आप सभी पूरा कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा और एक एक एग्जांपल देकर चलूंगा। तो अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका जो हिंदी व्याकरण होगा वह प्रश्न संख्या 9 से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। आपको कोई मुहावरा लोकोक्तियां दिया रहेगा, उसका सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। अर्थ लिखने पर आपको एक नंबर मिलेगा, साथ में उसका वाक्य प्रयोग करना है जिसपे आपको एक नंबर मिलेगा, टोटल आपको 2 नंबर इससे मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको यहां पर दिया है कि यही मान लो बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, अंत भला तो सब भला, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, अंत भला तो सब भला। इसका आप क्या लिख दोगे, परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है, ठीक है। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो इसका वाक्य प्रयोग जैसे अभी आप लिख सकते हो कि राहुल बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू से नहीं कर रहा था, लेकिन अक्टूबर से पढ़ाई कर उसने बोर्ड परीक्षा 2021 में 90% अंक हासिल किया। तो इसका कहने का क्या मतलब है, राहुल शुरू से पढ़ाई नहीं कर रहा था लेकिन अक्टूबर से पढ़ाई शुरू किया और 90% अंक हासिल किया। तो अंत भला तो सब भला, यानी उसने अंत से पढ़ाई कर 90% अंक हासिल किया, तो अंत भला तो सब भला, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि इसी तरीके से आपको दिया रहेगा और इसी तरीके से आपको अर्थ लिखना रहेगा और वाक्य का प्रयोग करना रहेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछेगा संधि विच्छेद करना, ठीक है। आपको 3 संधि दिया रहेगा, ठीक है, और आपको तीनों में एक संधि, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ठीक है। आपको बताना है नैनम का करेक्ट संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। नय प्लस अनम, नय प्लस अनम, न प्लस यनम और नय प्लस नम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नय प्लस अनम, यह हो जाएगा नैनम का करेक्ट संधि विच्छेद, ठीक है। इसी तरीके से आपको 3 संधि विच्छेद दिया जाएगा और आपको करना रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे तैयार करना एक ही क्वेश्चन को, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। आपका प्रश्न संख्या 11 जो रहेगा वो रहेगा निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन का चयन करना रहेगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और संधि विच्छेद आपका 3 नंबर का। साथ में जो इसी में ख क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना रहेगा। आपको ये ऐसा कोई दिया रहेगा और उसका सही शब्द युग्मों का दिया रहेंगे और आपको सही अर्थ चुनकर लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे आय और आयु, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, करेक्ट अर्थ कौन हो जाएगा, आना और उम्र, आमदनी और उम्र, आना और आज्ञा, आज्ञा और उम्र, ठीक है। तो आय किससे संबंधित है, आमदनी से, ठीक है, और जो आयु वो उम्र से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। आय और आयु का आमदनी और उम्र, क्लियर है। इसी तरीके से आपको करना रहेगा और जो आपको 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इन सबको आपको कैसे एकदम डिटेल में तैयार करना, ठीक है। और कक्षा 12 के जो ख ऑप्शन देगा उसमें पूछेगा पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची सभी स्टूडेंट जानते हैं कैसे किया जाता है। आपको कोई वर्ड दिया रहेगा उसका 2 और अर्थ बताना रहेगा, ठीक है। जैसे पानी है तो इसका आप लिख सकते हो जल लिख सकते हो, नीर लिख सकते हो, अंबू लिख सकते हो, सिर्फ 2 आपको बताना है और 2 नंबर आपको मिलेगा, जो 2 पर्यायवाची आपको करना रहेगा, ठीक है।
फिर आपको ग रहेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आपको दो नंबर दिलाएगा और दो रहेगा, ठीक है, यानी जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके इसको आप एक वर्ड में लिखना रहेगा, ठीक है, यानी एक शब्द में जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, अपराजय, ठीक है। तो बस आप एक वर्ड में इसका करेक्ट ऑप्शन दे दोगे तो यहां से आपको दो नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। फिर कक्षा 12 के जो ग्रामर सेक्शन में घ आएगा, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, आपको चार आपको दिए रहेंगे और चार में से आपको दो करना रहेगा, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पर एक वाक्य गलत दिया है, लक्ष्मी बाई वीर महिला थी, ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से पढ़ो, लक्ष्मी बाई वीर महिला थी, ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, लक्ष्मी बाई वीरांगना थी, ठीक है, वीर महिला थी ये गलत है, लक्ष्मी बाई वीरांगना थी ये सही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको वाक्य अशुद्ध करके मिलेंगे और आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा, ठीक है। फिर आपको करना रहेगा रस छंद अलंकार, और ये 6 नंबर का आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कल मैं रस छंद अलंकार के वीडियो बताऊंगा और ये 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 12th वाले देख लिए क्या क्या आपको आएगा, अभी इसे कैसे तैयार करना है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं एक बार शॉर्ट बता देता हूं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को क्या क्या आएगा। क्लास 10th के हिंदी ग्रामर का प्रश्न संख्या 8 से शुरू होगा, जिसमें आपको सबसे पहले रस छंद अलंकार, यानी 10th और 12th दोनों में रस छंद अलंकार आएगा और दोनों में 6 मार्क्स का आएगा, क्लियर है। फिर आपसे बोलेगा उपसर्गों में से एक शब्द बनाइए, उपसर्गों मतलब जो आपको ये वर्ड है इससे आगे कोई लगाकर आपको वर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे सु है तो इसका क्या लिख सकते हो, अगर आपको उपसर्गों में से एक शब्द बनाना है तो लिख सकते हो इसका सु का, सुरक्षा लिख सकते हो, सुपुत्र लिख सकते हो, ठीक हो। अब यहां पर प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाइए, ठीक है। अब जैसे आई है तो इसका क्या लिख सकते हो, यानी आई ये लास्ट में आना चाहिए, कोई ऐसा वर्ड आपको बताना है, तो जैसे लिखाई हो गया, पढ़ाई हो गया, तो हर वर्ड के लास्ट में आई आ रहा है, ठीक है, लिखाई पढ़ाई, तो ये आपके दो नंबर दिलाएंगे और दो नंबर आपके उपसर्ग दिलाएंगे, ठीक है। फिर आपको समास विग्रह करने के लिए आएगा और समास का नाम लिखने के लिए दो नंबर का आएगा, तत्सम रूप लिखने के लिए आएगा दो नंबर का, साथ में आप में भी पर्यायवाची आएगा और दो नंबर का रहेगा। फिर प्रश्न संख्या 10 में आपसे बोलेगा संधि कीजिए और संधि का नाम भी आपको बताना रहेगा, साथ में विभक्ति और उसके वचन बताने रहेंगे। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख करना, और आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दो नंबर का आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रामर में आएंगे और जो हिंदी क्लास 10th वाले रहेंगे उनका 21 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, ठीक, मेरा क्या प्लान है, ठीक है। ग्रामर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको याद करना पड़े, इसके लिए मैं आपको सिंपली क्या कराने वाला हूँ, ध्यान से मेरा प्लान सीखना, ठीक है। आपको मैं पिछले 3 साल के जितने भी आपके ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन थे वो मैं कल तो आपको मैं रस छंद अलंकार बताने वाला हूँ, ठीक है, जो 6 मार्क्स करेगा, क्लियर है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामर सेक्शन से मैं क्वेश्चन नंबर 9 से जैसे मैंने बताया शुरू होगा, तो वहां से पिछले 3 साल के जितने भी पर्यायवाची आए रहेंगे, जितने भी दो वाक्यों के लिए शब्द आएंगे, जितने भी विलोम शब्द पर्यायवाची रहेंगे, वो मैं आपको बारी बारी 3 साल का कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको व्याकरण की तैयारी कराऊंगा, और व्याकरण की तैयारी में जिस तरीके से कराऊंगा ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको पेपर में शुभम क्लासेस द्वारा न बताया गया हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, और अगर अभी तक आपने हमारा टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो, आज ही गूगल प्ले स्टोर से सर्च करो शुभम क्लासेस ऐप, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको डाउनलोड करो, यहाँ पर आप ट्रेंडिंग में देखोगे टॉप 100 बैच, ठीक है। ये ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों बोला, क्योंकि इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर एक साथ मिलेंगे, आपको मैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ आंसर के साथ में, साथ में आपको पिछले 3 साल का सभी विषयों का पेपर सॉल्यूशन साथ बताया जाएगा, ठीक है। और ये भी आप देखो, मैंने बताया कि जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया कि अंत भला तो सब भला, अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तो अभी से तैयारी शुरू करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम आपका मार्च और अप्रैल में होगा, ठीक है। तो अगर अभी 2 से 3 दिन अगर अभी शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पर एक ऑफर चल रहा है, अगर आप टॉप 100 बाय ज्वाइन करते हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है जो 399 रुपये वो बिल्कुल फ्री में भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तुम्हारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट टॉप 100 बाय ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस इस समय 599 रुपये पूरे एग्जाम तक आखिरी दिन तक, ठीक है। आपको इसमें कंप्लीट तैयारी सभी विषय कराई जाएगी, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे
पेमेंट करोगे आपके 15 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा और आप कंप्लीट लेसन वन से नोट्स वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देख सकोगे। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो 7084-8170 पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपका टॉप 100 पर ज्वाइन करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अब आई होप मैं इतना समझ सकता हूं कि आपको डाउट नहीं होगा कि हिंदी व्याकरण में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे। आपको हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए सिर्फ 3 साल के पिछले साल का पेपर तैयार करना है और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मैं आपको बारी बारी जिस तरीके से निबंध पत्र में बताते चल रहा हूं उस तरीके से बताऊंगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप पिछले साल जाकर देखो, मैं लाइव प्रूफ बनाता हूं। जितने नंबर का क्वेश्चन बताता हूं डायरेक्ट 70 में 10th वालों का 65 नंबर पिछले साल फंसा था। आप 3 से 4 महीने पेपर पहले जाओ, जब 18 फरवरी को पेपर था हिंदी का, ठीक है, वहां पर जाकर देखो, मैंने लाइव प्रूफ बनाया था कि डायरेक्ट इतने मार्क्स से क्वेश्चन फंसे थे। और 12th में आपके 100 नंबर का पेपर था जिसमें से 92 मार्क्स फंसा था। आप फरवरी में जाकर देख लो, मेरी बातों पर मैं भरोसा करो, जब मैं लाइव प्रूफ बताया था तब जाकर आप चेक करो। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक एम रखा हूँ मैंने 1200, तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाना। आपको डेली सुबह 7 बजे हिंदी की वीडियो मिलती है। अगर ये वीडियो पसंद है तो अपने सभी दोस्तों को आग की तरफ फैला दो। ठीक है, ग्रामर की तैयारी कल से शुरू होगी, कल से आपको रस छंद अलंकार की वीडियो मिलेगी, फिर प्रश्न संख्या 9 से मैं शुरू करूंगा और क्लास 10th को भी यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप डेली सभी क्लासेस हमारे चैनल का अटेंड करें ताकि आप सभी विषय में अच्छे अंक पा सकें।